नमस्कार दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल का फिर से एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट में आपको मिलेगा मार्जिन ऑप्शन। आज हम आपको मार्जिन ऑप्शन का उपयोग करके बताएंगे कैसे आप अपने पेज पर एमएस एक्सेल की सीट पर मार्जिन सेट कर सकते हैं। सपोज करो फ्रेंड, आपको ये सीट आपको किसी लेटर पैड पर आपको प्रिंट निकालनी, तो लेटर पैड का जो मार्जिन होता है टॉप का वो कैसे छोड़े। यदि आपके लेफ्ट में कुछ आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, शब्द लिखे हैं, या राइट में, वहाँ पर आप कैसे मार्जिन को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल का एपिसोड में आपको बेसिक फार्मूले यूज करके बता दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं मार्जिन कैसे सेट करते हैं हम एक्सेल शीट में। देखिए फ्रेंड, इस ऑप्शन का यूज़ मैं यहाँ से नहीं करूँगा, पहले भी आपको बता देता हूँ, मैं इस ऑप्शन का यूज प्रिंट के थ्रू करूँगा, यानी बाहर से करूँगा। आप भी करेंगे तो बहुत सुविधाजनक होगा। ठीक है, मुझे 5 का मार्जिन चाहिए और मेरा लेटर पैड है, तो वहाँ पर मैं कैसे सेट करूँ मेरा लेटर पैड भी आज। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस एरिया का पहले तो इस एरिया का आपको प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। प्रिंट एरिया सेट करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, यदि नहीं देखा हो तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट एरिया, बिल्कुल मैंने बता दिया कैसे सेट करते हैं, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे आपको हम कैसे बताएं कैसे आप अपनी सबसे मार्जिन सेट कर सकते हैं एक्सेल शीट। आपने प्रिंट एरिया सेट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड, आप फाइल में जाइए एंड प्रिंटर में जाइए। यदि आप एमएस ऑफिस 10 चला रहे हैं तो आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, एंड पी सेटअप में जाइए। सेटअप में जाने के बाद आपके पास मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मिलते ही यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, ये आपका पेज है और ये आपके मार्जिन के कुछ आपके डिजिट हैं, यहाँ पर मार्जिन सेट करने की संख्या है। ठीक है, ये आपका पेजेस ऐसा आ रहा है। ठीक, चलिए अभी इसका मार्जिन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, सही से सेट नहीं हुआ है, पहले मुझे मार्जिन सेट करना पड़ेगा। मैंने मार्जिन सेट कर दिया, अब मुझे प्रिंट व्यू में मिल जाए। प्रिंट में भी दोबारा जा रहा हूँ, पहले मैंने मार्जिन सेट नहीं किया था इसलिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गया है। अब सपोज करो फ्रेंड, आपका लेटर पैड में कट रहा है इतना मार्जिन, तो कैसे करें? लेटर पैड है या आपकी हेडिंग है साइड से, लेफ्ट से या बॉटम से, उसको कैसे मेंशन करें? ठीक है, मार्जिन पर सेट पर क्लिक करना। यदि आपको टॉप में आपको मार्जिन छोड़ना है तो सिंपल से आप टाइप करेंगे 2, जैसे आपको 2 का छोड़ना है, ओके प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ही नीचे आ जाएगा। यदि आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप 5 का रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेटर पैड में आपकी लेटर पैड पर निकाल सकते हैं, आपके लेटर पैड पे आ जाएगा बीच का मार्जिन छोड़ देता है। ठीक है, और यदि आपको साइड का छोड़ना है तो आप साइड पर भी पुट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ स्विच पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। ऐसी राइट का सेट कर सकते हैं, ऐसी ही बॉटम का सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 का छोड़ देता हूँ, बॉटम का 2 छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल मेरा, देखिए फ्रेंड, यदि आपको बीच में रखना है सेंटर में मैटर, जैसे देखिए यहाँ पर सेंटर में नहीं है, थोड़ा खिसक रहा है, यदि सेंटर में रखना है तो हॉरिजॉन्टल चेकबॉक्स को फिल जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूँ, एन एफ को प्रेस कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा मार्जिन, कैसे सेट करेंगे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अभी कट रहा है मार्जिन, तो क्या करेंगे, 100 पर ना फ्रेंड इसको कम कर देंगे। ठीक है, अभी कम नहीं हो रहा, तो अपन पेज सेटअप पर जाएंगे, मार्जिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर कम से कम आप रखिए 1 रख सकते हैं, और ओके प्रेस कर दीजिए, हो गया मार्जिन सेट। और यदि और करना है तो आप 0.5 में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका, ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि लेटर पैड में मैटर कटेगा तो और आप यदि डिजिट को बढ़ा सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं इससे। ठीक है, और यदि आपके लेटर पैड में बॉटम साइड में भी कुछ मैटर है तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना ना भूलें। आपको यदि हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल को चेकबॉक्स को फिल कर दें, इससे क्या है मैटर आपके सेंटर में आ जाएगा, जिससे आसानी होगी आपकी प्रिंट में निकालने।
ठीक। यदि फ्रेंड आपका ये मैटर, इसमें मैटर कट रहा है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो के साथ बता दिया, यदि मैटर कट रहा है, जैसे देखिए फ्रेंड मैं इसको ले लेता हूँ, इतनी बड़ी सीट है, ठीक है, ये मैटर कट रहा है, तो यहाँ पर कैसी इसको कंडीशन कैसी, इसका कैसे प्रिंट निकालें, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, लेकिन मैं और आपको यूज़ करके बता देता हूँ। सिंपल से इतना मैटर है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप पूरा सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप सेट प्रिंट एरिया करें, सेट प्रिंट एरिया करने के बाद आप प्रिंट पर घूम जाएँ, देखिए इसमें पेज सेटअप में जाते हैं, चलिए यहाँ तक आपका प्रोविडेंट फंड तक आपका मैटर आ रहा है, यहाँ तक देखिए मैं प्रिंट पिन भी बता देता हूँ फ्रेंड, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है, बाकी का मैटर कट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो मैं आपको बता दिया है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ही यदि आपकी हॉरिजॉन्टल में सीट है तो आप सबसे पहले इसको लैंडस्केप करें, लैंडस्केप करने से 10% बढ़ जाएगा और इतना जो प्रोविडेंट फंड का आ रहा था, प्रोविडेंट फंड यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले तक, मैंने जो लाइन बढ़ा दी उनकी कॉपी कर दी लाइन बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया, फिर भी मैटर कट रहा है तो इस कंडीशन में क्या कर, देखिए फ्रेंड फिर भी मैटर कट रहे तो पे सेटअप में जाना आप, ठीक है, और इसको 80 इसको आप 70 कर दीजिए, मैटर आ जाएगा, डिटेक्शन तक आ गया, देखते हैं आगे कि नहीं आ गया, अभी नेट सैलरी कट रही है, यहाँ तक आया है मैटर, ठीक है, ये कट रही है, इसको भी कैसे लें, फिर आप वही में जाइए फ्रेंड, ठीक है, पे सेटअप पर क्लिक कीजिए एंड इसको 70 कर दीजिए, आ गया जी आपका पूरा मैटर आ गया, ठीक है, यदि आपको और कम करना है तो यहाँ मार्जिन सेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से और मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप पे सेटअप यहाँ से करके यदि आप लेटर पैड में निकाल रहे हैं या फिर साइड में मार्जिन को मार्जिन में टैक्स सॉरी लेफ्ट और राइट में टैक्स है उसको मार्जिन सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये टॉप के लिए, टॉप मार्जिन के लिए, ये राइट मार्जिन के लिए, ये लेफ्ट मार्जिन के लिए और ये बॉटम मार्जिन के लिए, ओके फ्रेंड एंड थैंक्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक्स एंड बाय बाय।